गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडियम्स का डे 16 एमबी बुक से आज आप पढ़ेंगे। अब तक आप डे 15 पढ़ चुके हैं, 15 दिनों के इडियम्स मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एमबी बुक से। लगभग समाप्ति की तरफ ही हैं हम लोग इडियम्स के। अब कुछ इडियम्स बचे हुए हैं, उनको आज हम पढ़ लेंगे समय के साथ साथ। यस, सो देखते हैं आज का पहला इडियम क्या है। यस, पहला आइडिया है आपका आज का नॉट हैव अ क्ल्यू, यानी कि कोई क्ल्यू, क्ल्यू मतलब होता है इशारा, ना देना, कोई इशारा ना करना या ना देना। यस, यानी कि कोई अता पता ना होना, कोई अता पता ना होना, आप लगा सकते हैं इसका आंसर। यस, नेक्स्ट है आपका नॉट टू माइंस मैटर, माइंस मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, काट फाट करना, काट छाट करना इस तरह से, मैटर मतलब मामले। तो किसी बात को स्पष्ट रूप से बिना किसी की भावनाओं का ध्यान रखे बोलना, ये एन के इडियम कल दो बच रहे थे वो ख़त्म हुए, आज ओ के इडियम शुरू हो चुके हैं। यस, ओ के भी आज ख़त्म हो जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकली हम लोग 15 अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग शुरू कर देंगे आगे के। अगला है ओट्स एंड एंट्स। ओट्स बोलते हैं विषम को, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं सम और विषम, यानी कि विषम का मतलब वैसे भी विषम यानी कि सबसे अलग कोई चीज़ हो उसको बोल देते हैं। एंट्स मतलब अंत, छोटे भाग जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हो। ऑफ नो अवेल, अवेल मतलब लाभ, प्रॉफिट, कुछ भी, यानी कि कोई लाभ ना होना, यानी कि निसफल या निरर्थक। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, इरेगुलर। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्यारा इडियम और भी है इसका जस्ट अपोजिट, ऑन एंड ऑन, यानी कि रेगुलर, यानी कि रेगुलर, नियमित, डेली, एवरीडे, कुछ भी कह सकते हैं। ऑफ कलर, यानी कि रंग उड़ जाना चेहरे का, यानी कि बीमार सा दिखना, कैसे दिखना, बीमार सा दिखना, ऑफ कलर। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक, हुक बोलते हैं कि खुंटी वगैरह, यस, कांटा, किसी चीज़ लटकाना। ऑफ मतलब अलग करना, किसी चीज़ को खुंटी से अलग करना, कांटे से अलग करना, अपने किए की बिना सजा और आलोचना पाए, यानी कि बिल्कुल वही बात, यानी कि आपको सजा मिलनी थी लेकिन आपको उस सजा से अलग कर दिया गया, यानी कि अपने किए की बिना सजा पाए बच निकलना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गेट स्कॉट फ्री। एक इडियम पढ़ा था आपने, गेट स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। ऑफ द मार्क, मार्क बोलते हैं चिन्ह को, किसको बोलते हैं मार्क, यानी कि चिन्ह, और मार्क ऑफ यानी कि उससे अलग होना, उससे अलग होना, बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है, एडवर्ब का काम भी करता है। इसका मतलब होता है सेपरेशन, क्या होता है सेपरेशन। तो ऑफ द मार्क, अतार्किक, असंगत, इरिलेवेंट। ऑफ हैंड, यानी कि हैंड मतलब बिल्कुल मजबूत हाथों से, ऑफ मतलब अलग, यानी कि बिना किसी तैयारी के। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि जवान कंधों पर कोई बूढ़ा सिर, यानी कि दिमाग, यानी कि कंधे, यानी कि एक नवयुवक है लेकिन उसको जो दिमाग मिल रहा है वो किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में कोई प्रधानमंत्री, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं उसके मुख्यमंत्री बने, लेकिन सलाह सारी पिताजी की ले रहे थे। तो इस तरह से कम उम्र का परंतु कुशल एवं अनुभवी, ओल्ड वाइफ्स टेल्स, ओल्ड वाइफ्स टेल्स, कोई ऐसी सलाह बात जो लंबे समय से दी जाती रही हो, यानी कि सभी पत्नियों की एक ही कहानी। टेल मतलब कहानी, वाइफ मतलब पत्नियां, यानी कि सभी पत्नियां कैसी होती हैं, सभी की एक ही बात होती है, सभी की एक ही कहानी, उसके ऊपर ये बना आइडिया। ओलिव ब्रांच, ओलिव यानी कि सुना होगा आपने, ओलिव ऑयल यानी कि जैतून को बोल देते हैं, और इसका जो पौधा होता है वो हरे रंग का होता है और हरा शांति का प्रतीक होता है। ओलिव यानी कि जैतून, और इसका पौधा जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन होता है शांति का प्रतीक। ओलिव ब्रांच यानी कि शांति की अपील। ओनर लेवल यानी कि एक ही लेवल पर होना, बिल्कुल समान स्टैंडर्ड के लेवल। ओनर रोल यानी कि दूसरों को रोल करते हुए आगे बढ़ना,
यानी कि सफलता का दो, ऑन क्लाउड 9। आपने सुना होगा कि 7 आसमान होते हैं, ये होता है होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आसमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अब तो आप पढ़ लिए, वो तो बचपन की बातें थी। ऑन क्लाउड 9 यानी कि 9वें आसमान पर होना, यानी कि बहुत अधिक खुश होना। ऑन वंस लास्ट लेग्स यानी कि बिल्कुल आखिरी सांस, लास्ट लेग्स यानी कि खत्म होने की कगार पर बिल्कुल। ऑन सेकंड थॉट दोबारा विचार करना, दोबारा विचार करने पर। और टेंटर हुक्स, टेंटर हुक भी बोल देते हैं खूंटे को, यस, किसी को खूंटी से बांध देना, उसे बोलते हैं टेंटर हुक्स, यानी कि किसी ने आपको बांध दिया है, यानी कि आपने किसी ने आप पर बंदिश लगा दी, जैसे कि आजकल लॉकडाउन में हमारे ऊपर बंदिश लगी हुई है। यस, तैयारी करने वाले बच्चे पहले भी घर ही रहते थे, तैयारी करते थे, और आज भी वो तैयारी कर रहे हैं। लाइक जैसे घरेलू महिलाएं पहले भी घर रहती थी और आज भी घर ही हैं, बल्कि उनको खुश होना चाहिए उनके हस्बैंड उनके साथ हैं, लेकिन उनको भी दुख है इस बात का कि लॉकडाउन कब खुलेगा। क्योंकि पहले आज़ादी थी एक तरह की, चाहे भले घर रहती थी लेकिन घूम लेते थे, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में था, लेकिन अब घूम नहीं सकते कहीं भी इस तरह से। ऑन टेंटर हुक्स यानी कि बेचैन और अधीर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ब्रिंक बोलते हैं किनारे को, किसको बोलते हैं ब्रिंक, मतलब किनारा, ब्रिंक माने भी किनारा और बैंक माने भी किनारा। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर बोलते हैं समाप्ति को, समाप्ति के किनारे पर यानी कि बिल्कुल विनाश के कगार पर। ऑन द कार्ड्स यानी कि जब कार्ड वगैरह खेलते हैं तो सामने वाले के हाथ में कुछ पत्ते हैं, आपके हाथ में कुछ पत्ते हैं, और वो होना संभव है, उसको आप टाल नहीं सकते। ऑन द कार्ड्स जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना निश्चित हो, इस तरह से। ऑन द कफ, ऑन द कफ, कफ का मतलब होता है थप्पड़ मारना या चाटा मारना, घुसा मारना, इस तरह से। ऑन द कफ उधार, ऑन द लेवल बिल्कुल लेवल यानी कि कानून सम्मत, सबके लिए समान कानून हो, उसको बोलते हैं ऑन द लेवल। ऑन द सेम पेज यानी कि जिस पेज पर मैं हूँ उसी पेज पर आप भी अभी हैं, यानी कि किसी के समान ज्ञान होना, किसी के बराबर ज्ञान होना, समझ होना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर का मतलब होता है उकसना या उकसाना, प्रेरणा। मोमेंट मतलब उसी क्षण, यानी कि उसी क्षण एकदम उकसा जाना, यानी कि बस ये काम तो मुझे आज ही करना है, बस अभी करना है, तुरंत कुछ भी हो जाए चाहे, यानी कि बिना किसी योजना के तत्क्षण कार्य करना। ऑन द रोंग साइड ऑफ 70 यानी कि 70 साल से ज़्यादा हो जाना, 80 या 80 साल से ज़्यादा हो जाना, इस तरह से कुछ भी। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार में टॉप पर होना, सफल एवं सभी परिस्थितियां अपने अनुकूल होना। ऑन वंस टोज, टोज बोलते हैं पैर के अंगूठे को, उसको बोलते हैं पैर के अंगूठे को, पैर के अंगूठे पे कोई बैठा हुआ है, जैसे कि भागते टाइम जो है जो रेसर हैं बिल्कुल तैयार रहते हैं एक्टिव, अंगूठे पे अपने बस वो कहें रेडी स्टडी एंड गो, और वो तुरंत निकल लेते हैं, तो यानी कि कुछ चौकन्ने रहना, कैसे रहना, चौकन्ना। वंस इन अ ब्लू मून, जो कभी नहीं होता, यानी कि 15 दिन में एक बार होता है, वो होता है अम क्या कहते हैं उसको, अमावस्या, ऐसा कुछ भी पता नहीं मुझे कन्फर्म। ओपन बुक यानी कि खुली किताब, जिसके बारे में कोई भी बात भी छुपी ना हो। अदर फिश टू फ्राई यानी कि आपके पास एक और फिश है फ्राई करने के लिए, आप फिश लाए, कोई आपकी फिश चुरा के ले गया, लेकिन आपके पास एक फिश और भी है फ्राई करने के लिए, यानी कि ध्यान देने के लिए कोई अन्य मुद्दा भी है आपके पास में, उसके अलावा एक और भी बात है आपके पास में। आउट एंड आउट यानी कि पूरी तरह से, एक इडियम और बनता है इसके साथ में, आउट एंड आउट फूल यानी कि उल्लू का पट्टा, इसको बोलते हैं उल्लू का पट्टा। आउट एंड आउट फूल का मतलब पूरी तरह से मूर्ख, यानी कि परिवार भी मूर्ख था वो भी मूर्ख है पूरी तरह से। आउट ऑफ करेक्टर यानी कि अपने करेक्टर का बिल्कुल आउट, यानी कि बिल्कुल अलग, यानी कि स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। आउट ऑफ हैंड यानी कि मेरी रेंज से बाहर, मेरे हैंड से बाहर, किसी के हैंड से कोई चीज़ बाहर होना, अनियंत्रित होना। आउट ऑफ वंस विट्स यानी कि अपनी समस्या पर है, यानी कि पूरी तरह कन्फ्यूज्ड। आउट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस से बाहर, यानी कि जिसके होने की संभावना ही ना हो, इस तरह से। आउट ऑफ सोर्ट्स, सोर्ट्स मतलब कमी या निराशा, यानी कि अपसेट और निराश हो जाना। आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक से, जिसके बारे में सोचा ना हो, कोई ऐसा संकट वगैरह आ जाना, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, किसी चीज़ को बॉक्स से बाहर निकालना, थिंकिंग यानी कि सोचना, एकदम नया रचनात्मक। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर
फ्राइंग पैन से निकाल कर किसी चीज़ को आग में डाल देना। तो मान लीजिए कोई मीट वगैरह आप बना रहे हैं, जैसे चाइना की वीडियोस देखते थे कि वो कुछ भी बना लेते हैं, चूहे, खरगोश, कछुए, ज़्यादा हो गया, मतलब मैंने देखा है कॉकरोच, केंचुए, बिच्छू, कुछ भी बिल्कुल डायरेक्ट पका देते हैं। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए वो फ्राइंग पैन पका रहे हैं, वहाँ पकाने के बाद उन्होंने उसे आग में डाल दिया, तो यानी कि पहले वो समस्या में था, फिर एक और समस्या में आ गया, एक समस्या से निकाल कर दूसरी समस्या में डाल देना किसी को। आउट ऑफ द वुड्स, देखिए वुड माने होता है लकड़ी, मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आसपास में एस लगाने पर उनके मीनिंग बिल्कुल चेंज होते हैं। वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल, ऐसे आपका गुड होता है डबल ओ वाला, और गुड्स माने सामान, तो वुड्स माने जंगल। आउट ऑफ वुड्स यानी कि जंगल से बाहर आ जाना, यानी कि खतरे से बाहर आ जाना, समस्या से बाहर आ जाना। आउट ऑफ थिन एयर, अचानक एवं जिसकी आशा नहीं थी। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि देखिए इस संसार हमें मिला है, जीवन मिला है इंसान का, वो भी बहुत खुशी की बात है, बहुत सबसे शानदार जीवन हम जी रहे हैं। यस, हम उसके से 1 महीने से भी बंद हुए हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। जानवर बेचारे जो ज़िंदगी भर ही बंद रहते हैं, उनसे पूछे बेचारों से, यस उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि ऐसी कुछ चीज़ जो इस संसार से भी खूबसूरत हो, तो बहुत शानदार होगी। शानदार ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार किसी चीज़ का होना। ओवर एग द पुडिंग यानी कि कोई एग है जिसको आप उबालना चाह रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही उबल गया। पुडिंग मन होता है उसको हलवा बन जाना, क्या बन जाना, हलवा बन जाना। तो ज़्यादा के चक्कर में, सुधारने के चक्कर में किसी चीज़ का नाश मर जाना, किसी चीज़ का नाश मर जाना। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस, खतरे या परेशानी के एकदम निकट। वंस एंड फॉर ऑल यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो एक बार आई हो और सभी के लिए आई हो, यानी कि हमेशा के लिए आ जाना किसी चीज़ का। आउट ऑफ डेट, डेट से बाहर किसी चीज़ का होना, पुराना, एक्सपायरी हो जाना। दवाई वगैरह पर अक्सर आपने देखा होगा कि आउट ऑफ डेट है, कोई फैशन वगैरह हो आउट ऑफ डेटेड बोल देते हैं फैशन। पहले चलते थे क्लीन शेव, अब चलते हैं आपके दाढ़ी वाले शेव, दाढ़ी वाले फेस, इस तरह से आउट एट एल्बो, ऐसा जिसमें आपकी एल्बो यानी कि कोहनी बाहर निकल के आ रही हो। कोई ऐसा कपड़ा आपने पहना हुआ है जिसमें आपकी कोहनी जो है ये बाहर निकल के आ रही है, तो आउट ऑफ एल्बो, फटा चिटा कपड़ा पहनना, फटा चिटा कपड़ा पहनना। आउट ऑफ प्रिंट यानी कि ऐसी कोई पुस्तक जिसका प्रिंट हो चुका है बस अब, आउट ऑफ प्रिंट सॉरी, यानी कि प्रिंट ना होना, यानी कि किसी पुस्तक के बाज़ार में अनुपलब्ध था, बुक की डिमांड ज़्यादा है लेकिन अब तक प्रिंट नहीं हो पाई है बुक, आउट ऑफ प्रिंट यानी कि अनुपलब्ध था। तो ये आपका यहाँ निमटता है डे 16, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। आप सभी वीडियोस को देखते रहें, पिछली वीडियोस को भी देखते रहें, क्योंकि सुनकर के जल्दी याद होते हैं, ऐसा मैंने भी रियलाइज़ किया है कि ध्यान रखिएगा आप, यस अगर आप किसी को सुन लेते हैं तो वो जल्दी याद हो जाएगा आपके, वो आपके दिमाग में, जहन में एंटर कर जाता है। यस उसको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग रटते हैं किसी को, तो वो रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, वो चीज़ हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। यस तो अच्छा हुआ कि आप उसे रट लें, को बच्चे से वीडियो को देख लें, एक बार नहीं दो नहीं 3 बार देखें, पहले भी तो आप पढ़ते ही थे बैठ करके, अब भी आप पढ़ें। आप टारगेट बना लें अपना एक कि लॉकडाउन में मुझे अपने ईडियम्स निपटाने हैं। अब आपके सामने वीडियोस भी हैं, आप लोग वीडियो भी खूब सारी आ चुकी हैं, पहले तो एक वीडियो डेली आ रही थी, अभी भी एक ही आ रही, लेकिन अब तो एक सिलेक्ट कलेक्शन हो चुका हमारे पास 16 वीडियो का। अगर आप डेली भी 2 देखते हैं तो आपकी 8 दिन में निमट जाएगी, इस 8 दिन में अगली 8 और आ जाएंगी, यानी कि 4 दिन का काम हो जाएगा, फिर 4 दिन देखेंगे उन 4 दिन में 4 और आ जाएंगे, 2 दिन का काम हो जाएगा, वीडियो निमट जाएंगे सारी। यस इस तरह से आप अपने इडियम सभी निमटा सकते हैं, रिविजन करते रहें वीडियोज़ को, लगातार रिपीट मार के देखते रहें, जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, आपको उतनी ही जल्दी याद हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ जितनी भी मुझे नई बुक मिल जाएगी जो इडियम्स नहीं होंगे उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा एक अपना भी। यस तो फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब है, गुड नाइट।